खबर सिमरिया से पुष्पराज सिंह की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। जेके सीमेंट प्लांट द्वारा हेलमेट का महत्व समझाते हुए वितरित किए गए हेलमेट। पन्ना जिले को पन्ना टाइगर रिजर्व, हीरो की नगरी, मंदिरों की नगरी के नाम से जाना जाता है। पन्ना जिले में अब औद्योगिक जेके सीमेंट प्लांट स्थापित हो चुका है। जेके सीमेंट की पहल आसपास के क्षेत्र में स्वास्थ्य, शिक्षा, पानी का संकट देखते हुए क्षेत्र में शिक्षा से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित अच्छी पहल की गई है। पन्ना जिले के सिमरिया में मुक्तिधाम की बाउंड्री वॉल बनाना, अस्पताल का जीर्णोद्धार करना और कई स्कूलों की सारी सुविधा उपलब्ध कराना, इसी कड़ी में आज सिमरिया थाना परिसर में हेलमेट वितरण का आयोजन जेके प्लांट द्वारा किया गया। इसमें मुख्य अतिथि आरएसएस के जिला संघ चालक रुद्र प्रताप यादव ने कहा कि हेलमेट हमारा परिवार है, क्योंकि अगर हम हेलमेट पहनते हैं तो हमारा पूरा परिवार सुरक्षित रहता है। समाज सेवी राजू राजा ने कहा कि हेलमेट को शोपीस बनाकर ना रखें, गाड़ी में बांधे हेलमेट को हमेशा गाड़ी चलाते समय पहन कर रखें। सिमरिया थाना प्रभारी संदीप दीक्षित ने कहा कि यहाँ पर जितनी महिलाएं बैठी हैं, अपने पति को सुबह सुबह जब काम पर जाते हैं तो उनको हेलमेट देकर विदा करें। जेके प्लांट के संचालक के द्वारा प्रतियोगिता प्रश्न पूछे गए, सही उत्तर देने वालों को हेलमेट देकर सम्मानित किया गया। जेके प्लांट के राहुल ने बताया कि जेके के द्वारा क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए समय समय पर लोगों को जागरूक किया जाता है। जिसकी जरूरत है जेके प्लांट के द्वारा उसको मुहैया कराया जाता है। हेलमेट वितरण के कार्यक्रम में जेके महाप्रबंधक एपी सिंह, एचआर डिपार्टमेंट के एके गौतम, संदीप त्रिवेदी मौजूद रहे। आज पुलिस स्टेशन परिसर में जो है 150 हेलमेट लोगों को बांटा और 300 से ज़्यादा लोगों ने जो है जागरूकता कार्यक्रम का जो है वो फ़ायदा उठाया। इसी के साथ साथ हम लोगों ने, अगर मैं सिमरिया की बात करूं, तो हमने शमशान घाट का रेनोवेशन का काम किया है, जहां पे बैठने की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, शेड, सारी चीज़ें दी हैं। और सबसे महत्वपूर्ण काम जो अभी हम लोग सिमरिया के लिए कर रहे हैं वो पीएचसी सेंटर जो है उसका रेनोवेशन का काम कर रहे हैं हम लोग। उसमें हमने स्वास्थ्य सुविधाएं दी हैं, पानी की व्यवस्था की है। इससे पहले भी जागरूकता अभियान चला गया आपके द्वारा? हाँ, इसके पहले हम लोग बहुत सारे जागरूकता अभियान स्कूलों में कर रहे हैं। अमानगंज में भी किया, अमानगंज में भी रोड सेफ्टी वाला सेम कार्यक्रम हुआ था। स्कूलों में हम लोग जो है एनवायरमेंट के ऊपर, सड़क सुरक्षा के ऊपर और स्वच्छता के क्षेत्र को, अगर ऐसी और भी कोई ऐसी जरूरत होगी तो इसकी पहल जेके की लगातार रहेगी। एकदम जेके प्रतिबद्ध है। हम लोग जो है पीआरए एक्सरसाइज करके लोगों के बीच जाते हैं, उनसे ही उनकी जो जरूरतें हैं समझते हैं, उस पर विचार करके और उन विषयों पे काम करते हैं। हम लोग आगे भी करते रहेंगे। धन्यवाद।